हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरे वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कैमरा कह रहा था कि आज तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हमने कहा ऐसे कैसे नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो अब जो है चल गया है, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी शेयर कर दो। आज देखो रैपिड फायर रिविजन करेंगे बहुत तेजी से, पूरा एकदम गजब तरीके से। तो आप लोग भी इसको शेयर वेयर कर दिया करो। तो मालूम ना लायक भाई, करते ही नहीं शेयर कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि बहुत मारे तुम लोगों को। है हाँ भाई, ये लो। वीकली डिवीजन। और बताओ, क्लाब नहीं चल रही क्या? क्लाब चल रही है, तुम नहीं चल रहे हो क्या? जल्दी से जाओ, तुरंत जाओ फटाफट। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बुला लो, हम इसको जरा शेयर कर देते हैं। आज शेयर करना भी भूल गए क्योंकि क्लास चलवा रहे थे, तो टेलीग्राम पे भी शेयर करते, तुम लोग भी शेयर कर दो फटाक से। ये काम कर देगा, दो 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 मिनट भी नहीं लगते। तुरंत यहाँ बटन दबाया, यहाँ शेयर खटाक से। टाइम कितना लगता है? हाँ सर्दी ही आज लगता है। हाँ सर्दी तो है, सर्दी नहीं लगती क्या तुम्हें? तुम क्या सर्दी नहीं लगती क्या बताओ? चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और पूरे मतलब बढ़िया क्वेश्चन। क्या हफ्ता आज सैटरडे है, जानते हो सैटरडे को क्या होता है? कि साप्ताहिक रिवीजन होता है हमारा। सप्ताह में जितनी भी होते हैं उन सभी को बोलते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो हम लोग इन सभी को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ कोई दिक्कत होगी आपकी बातों को देख लिया जाएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। आज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये काम जरूर करना है, आपके लिए मस्ट है। ठीक है, और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अपडेट्स की बात करें तो पंजाब एडियो का हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक अगर पंजाब एडियो के बैच में एनरोल नहीं किए हो तो सिंपली जो है 12 जनवरी से बैच है, इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ बता दें कि इसमें आपको स्पेशल हर एक फैकल्टी पढ़ाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फैकल्टी आपको सब कुछ पढ़ाने वाली है। ठीक है, हमारी सभी फैकल्टी जो है वो आपको डे बाई डे, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ाती चली जाएंगी। ठीक है, इस बैच के अंदर एनरोल करने के लिए सिंपली आपको Y612 ये अप्लाई करना होता है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में आपको डिटेल में बता दूंगा मैं। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल बैचेस है, अगर आपने इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल करना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी प्लांट साइंस कमजोर है तो मंथन बैच में कर लीजिए। ठीक है, फॉरेस्ट्री फिजरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कमजोर है, वर्चस्व बैच में कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और वीड साइंस कमजोर है तो आप आगाज कर सकते हैं, संकल्प बैच और अभय बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक सॉल्यूशन कमजोर है। ठीक है, तो अगर पूरा बैच चाहते हो तो आप एफओ के मेंस बैच में एनरोल कर सकते हो, नहीं तो आप इंडिविजुअल बैचेस में कर सकते हो, इनके प्राइस भी काफी कम रखे गए ताकि आप लोग आराम से लग सकें। ठीक है, हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। आज बहुत तेजी से क्वेश्चन देखने वाले हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है, जो कि आप हमने क्या करो कि पूरे सप्ताह के रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ हाँ भाई, चलो बोल देते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ठीक है, वेलकम टू एग्रीकल्चर अराउंड 24/7। ठीक है, आई हो और क्या लिखा, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, वेरी गुड। ठीक है, हाँ आगे देखिए। तो द ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू रिड्यूस द लोअर फ्लावर ड्रॉप इन चिली, फ्लावर ड्रॉप चिली में। हाँ ये कराई रिकॉर्डेड है, तुम लोग कल की तरह फिर चालू हो गए। ठीक है, हम फिर निगलेक्ट कर देंगे। पता लगा आधा घंटा तक हम निगलेक्ट करते रहेंगे, आज 1 घंटा तो निगलेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए फिर चालू हो गए। द ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू रिड्यूस द फ्लावर ड्रॉप इन चिली ABA इथाफोन एंड ए जिब्रेलिक एसिड। फटाक से बताइए, फटाक से बोलिए भाई, फटाक से बोलिए। ठीक है, द ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू रिड्यूस, ठीक है, फ्लावर ड्रॉप इन चिली, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? नेप्सिन एफिटिक एसिड NAA। ठीक है, जो NAA है ना, वो जो अब चिलीज होती है उन्हें फ्लावर ड्रॉप को कम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा, तो आप सिर्फ बातों को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बातें लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा स्पीड में करना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है, वो 1 घंटे का टाइम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पाइनएप्पल वैरायटी प्रेफर फॉर द कैनिंग, कैनिंग के लिए पाइनएप्पल की कौन सी वैरायटी प्रेफर है? फटाफट बोलिए। देखो पूरे हफ्ते का रिवीजन कर रहा है, हमें हफ्ते में 3 क्लास है तो तीनों क्लास का रिवीजन हमें इस क्लास में करना होता है। ठीक है, फटाफट से आंसर दिया कर जल्दी जल्दी। हाँ बोल भाई। पाइनएप्पल वैरायटी प्रेफर्ड फॉर केनिंग, केनिंग के लिए पाइनएप्पल की कौन सी प्रजाति प्रेफर की जाती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। ठीक है, एकदम फटाफट बोलो, जल्दी से, जल्दी से। हाँ फिटनेस फ्री मोनो लायक हो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, खुश रहो। बताइए पाइनएप्पल वैरायटी जो है प्रेफर फॉर केनिंग कौन सी रहेगी? ठीक है, क्यों वैरायटी जो है पाइनएप्पल की केनिंग के लिए प्रेफर की जाती है? अपना लोग चेक कर लेना, अगर तुम पूरे हफ्ते की क्लास कायदे से नहीं देखते हो तो आज क्वेश्चन करोगे गलत, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, तो इसीलिए अपना चेक करते रहो कि भैया क्लास कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। ठीक,
आगे देखो, विच सिस्टम यूज फॉर द हाइब्रिड प्रोडक्शन इन अनियन, अनियन में हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सिस्टम प्रयोग होता है, बताइए फटाक से बताइए। हाँ बोलो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, डायोसिस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। बोलो भाई फटाक से बोलो। बोलो बोलो एकदम बोलो कायदे से। हाँ हाँ भाई, फिर क्या हो जाएगा, क्यों अरे नालायक, इसका आंसर दो, ठीक है, सी आंसर आ रहा है चंदू का, ठीक है। हाँ क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी बोलो बच्चा, ठीक है बिल्कुल, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। अगर कैंसर नहीं आ रहा समझिए कि आपने फिर बतियाए हो और लाइक बटन पे प्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। कल नहीं कहा तो भाई साहब बच्चों ने प्रश्न ही नहीं किया, हमने कहा जा ढीठ बन जाएंगे, करेंगे कैसे नहीं नलायक, ठीक है। तुम लोग आज भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, इतने नलायक हो चुके हो, एकदम नलायक हो चुके हो, क्या बताएं, छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ग्रेफ्टिंग इज नॉट नॉर्मली यूज फॉर द प्लांट प्रोपगेशन, प्लांट प्रोपगेशन में ग्रेफ्टिंग का कौन सा मेथड मुख्यतः प्रयोग नहीं होता है, फटाफट से आंसर दे डालो, ठीक है, एकदम मस्त तरीके आंसर देने हैं, ठीक है, मस्त तरीके से आंसर देने हैं, कहीं कोई रुकना ही नहीं है, फटाफट से एकदम आंसर देने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाक बोलो, बोलो भाई फटाक से बोलो, ठीक क्या रहेगा, इसके अंदर हो जाएगा भाई अप्रोच ग्रेफ्टिंग, क्या भाई अप्रोच हो जाएगा। अगला देखो, आमला इज द बेस्ट फुटेड टू ग्रो अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आमला जो है किस कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो सकता है, एफडी कंडीशन में, स्लाइटली एफडी कंडीशन, स्लाइटली एफडी टू सलाइन कंडीशन में, सोडिक सॉइल कंडीशन में, ठीक है, एल्कली सॉइल कंडीशन में, फटाक से बोलो, जल्दी 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 फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, ठीक है। हाँ समझ रहे होगी, क्या समझ रहे हो वाकत त्रिवेदी, ठीक है बताइए, आंवला इज द बेस्ट सुटेड फॉर द ग्रो अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बोलो फटाक से। हाँ क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब स्लाइटली एफडी सलाइन फोडिक सॉइल कंडीशन, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो फटाक से, अगला क्वेश्चन बताइए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पिरेशन, फटाक से बोलो। देखो भैया आपके लिए बहुत, कल एकदम हमारी मुलाकात होगी, ठीक है, हमारा नया नया कलेक्शन कल आ गया भाई साहब, ठीक है, कल जाके बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लेके आए आपके लिए, एकदम अपडेट, ठीक है, पुराना कलेक्शन को रख दिया आप, हमने डिब्बे के अंदर पैक करके, सब नया कलेक्शन, ठीक है, आराम से, ठीक बात, चाहे आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, पूरी इतनी मोटी मोटी किताब है, ठीक है, सब माने लेके आए एकदम मध अपडेट, ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक, हाँ आराम से एकदम, ठीक, तो आपको सबका पूरा नया कलेक्शन, हॉर्टिकल्चर की पूरा फिर से नया कलेक्शन ले आए हैं, ठीक है, एकदम कल से देख के इतना मन कर रहा है कि फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, जब से हम नया कलेक्शन लेके आए हैं ना आईआरआई से, तब से मेरा मन कर रहा है फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, समय नहीं मिल पाता तो एक किताब को उठाया पढ़ना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपके लिए मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, बस तुम जो है मेन प्री तक अच्छे में दे दो, मेंस के बाद तो एकदम आग लगने वाली है, देख दो, देखते जाओ, आग लगने वाली भाई साहब वो, बिल्कुल हाँ, टेंशन नहीं लेना, चलो फिर क्या जाएगा इसका, तो जाएगा बीन्स, ठीक है, तो बीन्स के अंदर ज्यादा होता है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर येलो वेन मोज़ेक वायरस ओकरा, ओकरा के येलो वेन मोज़ेक वायरस का वेक्टर क्या होता है, फटाक से बोलो, ठीक है, फटाक से बोलो। अब भाई लाइक बटन पर प्रेस कर दिया करो, देखो नालायक हो, ठीक है, तुम लोग बहुत नालायक हो, बहुत ज्यादा नालायक हो, बहुत 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 नालायक हो, ठीक है, हाँ फटाक से बोलो, बोलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फॉर येलो वेन मोज़ेक ओकरा, व्हाइट फ्लाई, ग्रीन प्लांट होपर, एफिड जेफिड, ठीक है, इनके बारे में डिटेल उटेल हम बता चुके, थोड़ी बहुत जो हमें बतानी थी, ठीक है, जाके पुरानी वीडियो देखना, ये सब रिवीजन चल रहा है। हाँ भैया क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, सफेद मक्की हो जाएगा। आगे देखो, इन्फेक्शियस क्लोरोसिस इन बनाना इज कॉज्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, इन्फेक्शियस क्लोरोसिस ऑफ बनाना जो है किससे कॉज होता है, ठीक है, बताइए किसके अंदर होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फेगो वायरस प्लांट पैराफाइट, बोलो फटाक से बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, जल्दी 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 जल्दी, हाँ भाई जल्दी जल्दी बोलो एकदम, राम राम, हाँ बोलो फटाक से, ठीक है, इन्फेक्शियस क्लोरोसिस बनाना इज कॉज्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इसका, वायरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वायरस हो जाएगा, फटाफट बोलो। देखो एक और बात, हाँ अरे एलिजिबल नहीं हो, कोई बात नहीं, अगले साल एलिजिबल हो जाना, अच्छी बात है, बढ़िया पढ़ाई तो कर रहे हो, ठीक है, अगला क्वेश्चन दो, ठीक है, इन ग्रेप फॉर प्रूनिंग इज डन, बताइए ग्रेप में मुख्यतः प्रूनिंग क्यों करते हैं, फटाफट बोलो भैया, देखो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन भैया, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन, ठीक है, पूरे हफ्ते का रिवीजन करना है, तुम्हारे अंदर जोश ही नहीं दिख रहा हमको, तुम्हारे अंदर हमें जोश ही नहीं दिख रहा, ठीक है, तुम भाई 39-40 बैठ के रहते हो, ठीक है, अरे अपने अंदर बैठने की कैपेसिटी डालो ना लायकों, ठीक है, बैठने की कैपेसिटी डालो, ठीक भाई रिवीजन चल रहा है, रिवीजन का आंसर देगा फटाफट से, ठीक है, हाँ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा इनकरेज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भैया, ग्रेप में मुख्यतः प्रूनिंग करते हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मंगला इज इंप्रूव्ड वैरायटी, अरे ये तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं करोगे, पता है, पक्का पता है गलत नहीं करोगे, तुमको एकदम, तुम लोग गलत नहीं करोगे, हमको पूरा आइडिया है,
ठीक है, बताओ मंगला किसकी वैरायटी है भाई? मंगला सुमंगला श्रीमंगला समृद्धि मोहनगरम स्वाहा, ठीक है। तो ये क्या है, मंगला जो है अरेकरण की प्रजाति है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ सर, FCI का मैराथन होना था, अभी तक तो हुआ नहीं, वेबसाइट पे बता दीजिए प्लीज, ठीक है। कौन सा मतलब प्री का क्या? देखो प्री का तो हमें पूछना पड़ेगा, मैथ की जिम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है, टेक्निकल की, तो डोंट वरी डियर, इफ आकाश इज हियर, ठीक है, बात कर लेंगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल? इनमें से कौन सी सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल है? बोलो फटाक से बोलो भाई, सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल कौन सी है? ठीक है, हाँ फटाक से बोलो, जल्दी 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 एकदम जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल? स्वयं परागित सब्जियां कौन सी हैं? बोलो भाई फटाक से बोलो एकदम अच्छे तरीके से, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका भैया जी चिली, ठीक है, क्या है? चिली है, और चिली कैसी है? चिली जो है आपकी डे न्यूट्रल भी है, चिली कैसी बच्चा? डे न्यूट्रल भी है। क्या कहना था? टमाटर बैगन चिल्ले रहते, धीरे से भिंडी से एक बात कहते, क्या कहते? कि कुकर लाओ राजमा पकाओ, पका के राजमा काओ के साथ खाओ, ठीक है, कहानी सुनोगे, ठीक है। तो टमाटर बैगन चिल्ले रहते, धीरे से भिंडी से एक बात कहते, टमाटर बैगन चिली ओकरा कुकर भी टेसी, और आपकी काउपी राजमा, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी आपके डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ बात किसी कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड की, चिली कैसी भैया? सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, टमाटर के ज्यादा ना लायक, ठीक है। आगे बताओ, मेडिकल प्लांट मेडिसिनल प्लांट नोन एज सेकंड शिलाजीत, बताइए कौन से प्लांट को सेकंड शिलाजीत बोलते हैं? फटाक से बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो बोलो भाई, द मेडिसिनल प्लांट नोन एज सेकंड शिलाजीत, अस्परगस, सफेद मुसली, काल मेघ, ये सब भूल, फटाक से बोलो, हाँ हाँ भाई, ऑफन कुराफी मिर्ची, अच्छा हाँ सही बात है, और क्या बोलो, फटाक से बोलो, द मेडिसिनल प्लांट नोन एज सेकंड शिलाजीत, सफेद मक्खी ना गलने लगे, किसका फीचर है? पर्शियन गार्डन का, मुगल गार्डन का, जापानीज गार्डन का, रोज गार्डन का? बोलो भाई फटाक से बोलो, बोलो किसका? हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिटनेस फ्री, डोंट वरी डियर, मैं जरूर देख लूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। PPT में मार्क है तो कुछ मकसद तो होगा, ठीक है, हम नहीं मार्क होगा तो हम जो है अभी जाके, तुम चाहते हो कि PPT बनाने वालों को हम थोड़ा बहुत बोल दें? कोई बात नहीं, बोल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। डांट सबकी पड़ जाती है, तुम लोगों के चक्कर में पता नहीं किस किस की डांट पड़ जाती है, ठीक है, इसीलिए PPT अपने आप खुद बनाते हैं। हाँ चलो फटाक से बोलो, अगला अगला क्वेश्चन दो, क्या हो जाएगा? हाँ जापानीज गार्डन हो जाएगा, बिल्कुल, क्या हो जाएगा? जापानीज गार्डन, ठीक है। अमांग कुकुरबिट्स विच फ्रूट इज रिच इन आयरन कंटेंट? अरे ये तो पता ही होगा, बताओ भैया, ये हमने करवाया था, ये करवाया था वो, बोलो बोलो फटाक से बोलो, अमांग कुकुरबिट्स जितने भी कुकुरबिट्स है सबसे ज्यादा रिचर आयरन, बताओ भैया आयरन किसके अंदर होता है? जरा फटाक से बोलो, आयरन किसके अंदर होता है? आयरन, लोहा, लोहा किसके अंदर होता भाई साहब? मस्क मेलन के अंदर, वाटर मेलन के अंदर, बोटल गार्ड के अंदर, बिटर गार्ड के अंदर, फटाक से आंसर दीजिए, ठीक है। मस्क मेलन, वाटर मेलन, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, ठीक है, अच्छे आंसर दो। और रात को 8 बजे भी रैपिड फायर रिविजन करने वाले हैं, चले आइएगा, ठीक है। हाँ फिर 2-3 दिन की छुट्टी भी हमको जाना है, कानपुर भी जाना है, ठीक है, मुलाकात भी करनी लोगों से सबसे, ठीक है। हाँ तो मस्क मेलन, वाटर मेलन, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब वाटर मेलन, ठीक है, करेगा वाटर मेलन रहेगा। जुवेनाइल ग्रीन इज अ हाईली यील्डिंग वैरायटी ऑफ, जुवेनाइल ग्रीन जो है कि हाई यील्डिंग प्रजाति है इंडियन स्पाइनस की, स्पाइनस की, अमरंथस की, अनियन की, बताइए इंडियन स्पाइनस की, अमरंथस की, अनियन की, फटाक से बोलो, ठीक है। जुवेनाइल ग्रीन किसकी प्रजाति है? बोलो भाई किसकी प्रजाति है जुवेनाइल ग्रीन? जल्दी 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 बोलो, फटाक से बोलो भाई, ठीक है, एकदम स्पीड के अंदर नंबर दिया करो, ठीक है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, फटाक से एफर्ट देना है। हाँ फ्रूट ऑफ 22nd, फ्रूट ऑफ 22nd सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक बात है, ठीक है, एफर्ट दो, इंडियन स्पाइनस, स्पाइनस, अमरंथस, अनियन, एफर क्या रहेगा आपका? ठीक आंसर रहेगा इंडियन स्पाइनस। अगला क्वेश्चन, विच ग्लूकोसाइड इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पाइनस ऑफ कुक्ड वेजिटेबल और बिटर गार्ड? बिटर गार्ड की कौन, कुक्ड वेजिटेबल को स्पाइनस से रोकने के लिए किस प्रकार का कौन सा कंपाउंड यूज होता है? पहला ऑप्शन है कुकरबिटेसिन, दूसरा ऑप्शन है क्यूरेसिटिन, तीसरा ऑप्शन सिनिग्रीन, और चौथा ऑप्शन है एलिन, ठीक है। फटाक से कमेंट के अंदर आपको प्रति उत्तर देना है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय है नहीं तो समय को थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर आप इसका प्रति उत्तर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? कुकरबिटेसिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बढ़िया, यूनिक पॉइंट भी अच्छा दे रहा है, मिनरल भी अच्छा दे रहा है, रिचा भी दे रहा है, ठीक है, आकाश भी बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेजर पोस्ट पोटेटो, मेजर पेस्ट ऑफ पोटेटो ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के समय, भंडारण के समय पोटेटो में कौन सा पेस्ट मुख्यतः अटैक करता है? पहला ऑप्शन है कटवर्म है, एफिड है, जेफिड है, या पोटेटो ट्यूबर मोथ है? फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ भाई, हाँ भाई, फटाक से देखो, देखते हैं पहला प्रति उत्तर किस व्यक्ति का आता है।
अगर आपका प्रत्युत्तर पहले आ गया तो हम समझा जाएगा कि आप बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और लगातार अपनी इस क्लास को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। फिटनेस फ्रीक, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। फिटनेस फ्रीक और चंदू का आंसर आ चुका है, ठीक है। आकाश त्रिवेदी जो है वासर बोल रहा है, ठीक है। हाँ करण संधु, लीजा वशवाल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका पोटेटो पर मथुरा। अगला प्रश्न, पूसा मेघदूत एंड पूसा मंजरी आर द इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, ठीक है। बताइए कि पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी, ठीक है, इम्प्रूव वैरायटी है किसकी है। पहला ऑप्शन है लौकी यानी कि बोटल गार्ड, दूसरा ऑप्शन है करेला यानी कि बिटर गार्ड, तीसरा ऑप्शन है रिज गार्ड, ठीक है, जिसे हम लोग तोरई बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है स्नेक गार्ड, ठीक है। फटाक से बताइए, ठीक है, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, रिज गार्ड, स्नेक गार्ड, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, लहसुन की जो है एक प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में लहसुन जो है कितना लगता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 100 से 200 किलो लगता है, 400 से 500 किलो लगता है, 600 से 700 किलो लगता है, या 900 से 1000 किलो लगता है। फटाक से इसका आंसर दीजिए, प्रति उत्तर में इसका आंसर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका 400 से 500 किलो, ठीक है, लगभग 500 किलो से 600 किलो भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 500 केजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन, गार्लिक कंटेन, गार्लिक के अंदर क्या पाया जाता है, एलिन होता है, एलिसिन होता है, डाइलाइट डाइसल्फाइट होता है, एलिनेज होता है। फटाक से बोलो, फटाक से बोलो एकदम, हाँ भैया फटाक से बोलो, हाँ फर्स्ट हाई बेटा कोकरबिट बेटा कौन सा है, पूसा संयोग है, ठीक है, पूसा संयोग, संयोग से मिल गया, ठीक है, बोलो ये गार्लिक कंटेन एमिनोफिट, गार्लिक के अंदर कौन सा एमिनोफिट पाया जाता है, एलिन, एलिसिन, डाइल डाइसल्फाइड या एलिनेज, हाँ भाई बोलो भाई, जल्दी बोलो, हाँ भाई चलो आगे देखो, गार्लिक कंटेन एमिनोफिट, एलिन, एलिसिन, डाइलाइट डाइसल्फाइड, एलिनेज, फटाफट 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 फटाफट, हाँ भाई किसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, एलिन हो जाएगा, अरे नालायक, हाँ एलिसिन बोल रहा है नालायक, हाँ एलिन, डाइल डेली रिक्वायरमेंट फ्रूट पर कैपिटा, पर कैपिटा फ्रूट की रिक्वायरमेंट। अब इसका आंसर जितने रट्टा लगाया होगा उसका नहीं आएगा, उसी का आएगा जिसने क्लास देखी थी, क्योंकि हमने क्लास में इसका आंसर सही करवाया था, ठीक है, यहाँ इसका आंसर सही नहीं होगा पर क्लास में इसका आंसर सही होगा। फटाक से बोलो, फटाक से, डेली रिक्वायरमेंट फ्रूट पर कैपिटा पर डे, फ्रूट पर कैपिटा पर डे, भाई भाई फटाक से बोलो, एकदम बोलो, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी चाहिए भैया, कितना फ्रूट खाना चाहिए भाई, कितना फ्रूट खाना चाहिए, ठीक है, हाँ बोलो, 150 ग्राम, वेरी गुड, क्या बोलिए, 150 ग्राम खाना चाहिए, ठीक है, हाँ क्या होना चाहिए भैया, 150 ग्राम, ठीक है, सब रेगुलर बच्चा है, सब रेगुलर बच्चा, यहाँ 120 ग्राम लिखा होगा, पुराना डाटा है, डाटा क्या है, 150 ग्राम है, ठीक है। अच्छा सब्जियाँ कितनी खानी चाहिए बताइए, सब्जियाँ कितनी खानी चाहिए, ठीक है, सब्जियाँ जो है बताओ कितनी खानी चाहिए, फटाक से बोलो सब्जियाँ कितनी, फटाफट 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 एकदम स्पीड के अंदर, ठीक है भैया, सैटरडे को रिविजन करना होता है, सैटरडे को रिविजन करना होता है भाई साहब, फटाक से बोलो, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके 150 ग्राम तो हो चुका है, आगे बताओ, ठीक है, हाँ सब्जी, मैं आज नया हूँ, कौन से फ्रूट के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है लीची, दूसरा ऑप्शन है काजू, तीसरा ऑप्शन है ग्वावा, और चौथा ऑप्शन है पाइनएप्पल, ठीक है, 450 से 350 ग्राम ना, ठीक है, तुम 450 पहुंच जाओ, ठीक है बताओ, ठीक है, हाँ सब्जियाँ 350 ग्राम है, ठीक है, बताइए विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जो है मात्रा वो किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है ज्यादा, लीची, काजू, ग्वावा, पाइनएप्पल, ठीक है, फटाक से बताइए, ठीक है, हाँ मैं भी नया हूँ, यूनिक, हाँ यूनिक पॉइंट, यू आर न्यू, आई नो वेरी वेल, ठीक है, बताइए लीची, ओके क्या हो जाएगा इसका आंसर, लीची रहेगा, हाँ हाँ आइए देखो, येलो हार्ट इज द वैरायटी है, बताइए येलो हार्ट किसकी प्रजाति है, पीला हृदय, बताइए पीला हृदय, ठीक है, लाल हृदय, ये इसकी हिंदी मत ट्रांसलेट करने लगना, पता लगा येलो हार्ट की हिंदी पीला हृदय कर लो, येलो हार्ट ही होता है, ये एक नाउन है, ठीक है, नाउन प्रवर्तित नहीं होता है, बताइए येलो हार्ट इज अ वैरायटी ऑफ लोकार्ड, लीची, ब्रेड फ्रूट या आलमंड, बोलो भाई किसकी है भाई, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो यार, तुम लोग लाइक बटन पे प्रेस नहीं करते हो, ठीक है, पंडित जी के द्वारा अगर आपको कुछ ऐसे मंत्र वंत्र मार दिया गया, ठीक है, कि आपका मोबाइल जो है बाई चांस कहीं ऐसे हाथ से झटक गया तो ठीक है, तो बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए लाइक बटन पे प्रेस मार दिया करो, ठीक है, हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है, हाँ आयुष हमारे के अंदर 350 ग्राम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई साहब, अगला आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्रेड फ्रूट, क्या हो जाएगा भैया, ब्रेड फ्रूट, देख रहे हो तुम लोग, सब क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम लोग रेगुलर क्लास नहीं करते, रेगुलर क्लास किया करो, क्रोमोसोम नंबर इन ओरिजिन नंबर एंड ओरिजिन ऑफ जामुन, जामुन के अंदर क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन क्या होती है, फटाक से बोलो, हाँ बोलो भाई, लाइक बटन पर मार दो, यहाँ मंत्र मार देंगे, बहुत शक्तिशाली आदमी मंत्र मार देंगे, ठीक है, हाँ क्रोमोसोम नंबर एंड ओरिजिन ऑफ जापान, बोलो भाई, ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा, 30 इंडो बर्मा, 40 इंडो मलाया, 36 या चाइना, 42 जापान, फटाक से बोलो,
ठीक है, हाँ आउट ऑफ सिलेबस नॉलेज, ठीक है, सुरजीत व्यास आई एम फ्रेशर, डोंट वरी सुरजीत, ठीक है, आपको डेली क्लास करनी है, ठीक है, और मेंस के बाद तो आपको क्लास जरूर, जो आपका प्री हो जाता है उसके बाद क्लास अच्छे करें, मेंस कर रहा है प्री के बाद, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई साहब, ये काम कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं मारते ना लाइक क्लास देखते ना लगे, सब्सक्राइब कर दिया करो, जरूरी है, ठीक है, बताइए अंदर क्या लगेगा, 14 डुमला से बढ़िया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेप इन वेरी हाई ड्यूरिंग, किस समय भाई साहब ग्रेप की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बताओ ट्राई से बताओ, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट जो है ग्रेप की किस समय ज्यादा होती है, फ्लावर फॉर्मेशन के समय ज्यादा होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय ज्यादा होती है, पॉलिनेशन के समय ज्यादा होती है, कि बेरी ग्रोथ के समय ज्यादा होती है, फटाक से बोलो, बोलो भाई बोलो फटाक से बोलो, ठीक है, हाँ एक आई एम थ्रेसर, ठीक है, तुम्हारा कमेंट ही नहीं दिखेगा, पता लगा, अरे ऑटोमेटिक काफ मैं समझ नहीं रहा विनोद, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेप बोलो फटाक से बोलो, फ्लावर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, पॉलिनेशन, बेरी ग्रोथ, फटाक से बोलो, हाँ भाई गुड मॉर्निंग बेटा नरोत्तम, ये कहाँ थे, बड़ी बड़े जमाने बाद आए हो, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन होने के बाद आए हो, हाँ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब बेरी ग्रोथ, बेरी ग्रोथ के हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेरी ग्रोथ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, ठीक है, बताइए क्रोमोसोम नंबर इन बेल, ओहो ये तो सरल क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है सरल क्वेश्चन, फटाक से बोलो, ठीक है, बेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, बेल के अंदर मुख्यतः जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 18, 36, 36, 24, फटाक से बोलो, हाँ बोलो भाई, ओके 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 ओके, देखो इनके बारे में कहानियां याद रखा करो, जैसे बेल आया कर तुरंत बोला करो, फ्रूट कटाई एपिसरा का होता है, ठीक है, इसके अलावा, हाँ इसके अलावा हमने क्या बताया था कि इसके अंदर विटामिन बी टू पाई जाती है, ठीक है, और बेल जो है इसके अंदर पैच बडिंग करते हैं, ठीक है, सब याद रखा करो, टेम्परी नहीं लेना, ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अरे नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर एक टाइम हर एक क्लास की फटाफट मिलता रहे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, आगे देखो ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन चेरी, चेरी में कौन सी ट्रेनिंग सिस्टम पाते हैं, हाँ अब से एक मेरा गुड बोली बेटा, ठीक है, हाँ फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन चेरी, चेरी में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं, ओपन सेंटर सेंट्रल लीडर मॉडिफाइड नॉन ऑफ दीज, ओपन सेंटर सेंट्रल लीडर मॉडिफाइड नॉन ऑफ दीज, फटाक से बोलो, हाँ हाँ 18 कोल क्रॉप में होता है, वेरी गुड, ठीक है, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कथा खत्म होने वाली क्लास है, ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन चेरी, चेरी में कौन सी ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं, और रात को 8 बजे क्लास, ठीक है, रात को 8 वाली क्लास करना है ही करना है, ठीक है, उसकी हम एक दो दिन की छुट्टी मार देंगे उस क्लास की, ठीक है, क्योंकि भाई साहब, ठीक है, आप लोगों के भविष्य के कुछ एक और क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, हमें कानपुर जाना पड़ेगा, जिससे कि अगर हम पास को ना भी जा पाएं, क्योंकि आपका मेंस लगने वाला होगा, ठीक है, तो फिर भी जो है पहले जाके डिग्री वगैरह व्यवस्था अपनी उठा लाएंगे, ठीक है, ताकि पहले जाके सिस्टम अपना मेंटेन रहे, क्योंकि प्री के बाद फिर आप पर फोकस करना पड़ेगा ही, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक, एकदम तैयारी मेंटेन रखो, प्री के बाद क्लास नहीं छोड़नी है, हाँ याद रखना, जो बताइए क्या रहेगा, मॉडिफाइड लीडर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट की ओरिजिन क्या होती है, पैशन फ्रूट की ओरिजिन क्या होती है, चाइना जापान ब्राजील मैक्सिको, बोलो चाइना जापान ब्राजील मैक्सिको, फटाक से बोलो, चाइना जापान ब्राजील मैक्सिको, ठीक है, हाँ नेट नहीं चल रहा है आज, किसने कहा नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, हाँ कौन सा रिचार्ज किया भाई साहब, नेट चलेगा, ठीक है, हाँ सर जी कब आ रहे हैं कानपुर, कानपुर आएंगे, ठीक है, कानपुर आएंगे वही, मतलब वैसे तो हमको 4-5 को जाना चाहिए, ठीक है, हाँ लेकिन बात यह है कि दो समस्याएं हैं, एक समस्या ये है कि फिर आपका मेंस होने वाला है, तो प्री के बाद फिर हमको क्लासेस की टाइमिंग बढ़ानी है, मेजर फोकस करना है मेंस के ऊपर, यानी इन क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे से हमको बढ़ाना है, तो हम सोच रहे हैं कि जब डिग्री लानी तो पहले लग जाके ले आए, हाँ कौन सा वो बढ़िया गोल्ड मेडल तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो पहले जाके ले आए, इसीलिए जो है सोच रहे हैं पहले चले जाएंगे, ठीक है, हाँ ताकि आप लोग भी अपने प्री में बिजी हैं, ठीक है, उधर अपना काम भी हो जाएगा, काम भी निपट जाएगा, ठीक है, अपनी पहली प्राथमिकता तो आप ही लोग, ठीक है, प्यार बनाए रखो, बस टेंशन लेना, हाँ भाई तो क्या अंदर हो जाएगा, हाँ सी से आएंगे, बिल्कुल सी से आएंगे, ठीक है, फीफा तो आएंगे भाई, डिग्री सी से आएंगे, ओरिजिन ऑफ पैशन ब्राजील, क्या हो जाएगा भैया, ब्राजील हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, गायनोडायोसिस वैरायटी पपाया, पपाया की गायनोडायोसिस वैरायटी कौन सी है, हाँ बड़ा पपाया की गायनोडायोसिस वैरायटी कौन सी है, ताइवान सनराइज सोलो बोथ नदीज, बोलो भाई, हाँ ओके फुरजीत भाई फाइनल ईयर हो, अभी तुम फर्स्ट ईयर बोल लेते, फ्रेशर बोल लेते, हाँ फाइनल ईयर हो, बताओ भाई गायनोडायोसिस वैरायटी पपाया, ताइवान सनराइज सोलो बोथ नदीज, बोलो भाई, हाँ हाँ एफ ओन दिखाओ, कोई बात नहीं, एफ ओन दिखाओ, टेंशन नहीं लेना, अगले साल दे दोगे, हाँ भाई बोलो भाई, ओके 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 ओके, क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, क्या हो भैया, बोथ हो जाएगा, अच्छा पपीता की बात है, बताओ पपीता की डायोसिस की सीडेट कितनी होती है, गायनोडायोसिस की सीडेट कितनी होती है, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी अच्छी है और कैसे डेवलप की गई, बस 4 क्वेश्चन बता दो, ठीक है, डायोसिस की सीडेट 400 से 500 ग्राम, गायनोडायोसिस की सीडेट 250 से 300 ग्राम, ठीक है याद रखना, हाँ और तुम्हारी जो क्या बोलते हैं उसे क्या बोले थे अभी, हाँ हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए पूसा नन्ना
डेवलप कैसे की गई, म्यूटेशन डेवलप की, ठीक है, गामा म्यूटेशन, ठीक, 2 1.25 × 1.25 6400 प्लांट, हाँ याद रखना। आगे देखो, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, ओहो ओहो क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही, फाइनेस्ट फ्रूट, फाइनेस्ट फ्रूट बोलो भाई, फटाक से बोलो, फाइनेस्ट फ्रूट कौन सा है, फटाक से बोलो, फटाक से बोलो, फाइनेस्ट फ्रूट कौन सा है, हाँ एप्पल मैंगो मैंगोस्टीन, एप्पल मैंगो मैंगोस्टीन, ठीक है बोलो भाई, हाँ बोलो, एप्पल मैंगो मैंगोस्टीन, ठीक है, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे फाइनेस्ट फ्रूट क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सही आंसर, मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन, ईरानी है, ईरानी, हाँ ईरानी है, वो फाइनेस्ट है, बताओ। ग्रैनुलेशन इन मैंडारिन कैन बी कंट्रोल्ड बाई, बताइए मैंडारिन में जो ग्रैनुलेशन है किससे कंट्रोल किया जा सकता है, आपके सामने जो आपके ऑप्शन है, स्प्रिंग और ब्लाइंड, लाइम की स्प्रिंग से, रिडक्शन इन इरिगेशन, जिंक एप्लीकेशन या कॉपर एप्लीकेशन, फटाक से बोलो, ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको बता देते हैं, रात को 8 बजे भी क्लास होती है, पता ही बिना कहे क्लास को अटेंड कर लिया करो, आज उसमें रैपिड फायर रिवीजन करवाएंगे, जो आपकी पुरानी क्लासेस थी, तो भैया रिवीजन वाली क्लास तो जरूर अटेंड किया करो, चेक किया करो कि कितना हमारा छूट गया और कितना हमको आ रहा है, ठीक है, तो कतई कतई टेंशन नहीं लेना, रात को 8 वाली क्लास में चले आना, ठीक है, हाँ ओके, चलो भाई बताओ, बोलो भाई, ओके 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 ओके, क्या रहेगा, स्प्रिंग ऑफ लाइम, लाइम के स्प्रिंग से, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हार्वेस्टिंग ऑफ लीची इज डन इन, बताओ ये हार्वेस्टिंग लीची, लीची की जो हार्वेस्टिंग है वो किस समय करते हैं, अगस्त से सितंबर में करते हैं, मई से जून में करते हैं, जनवरी से फरवरी में करते हैं, नवंबर से दिसंबर में करते हैं, फटाक से बोलो, हाँ नरोत्तम कल भी तुम बहुत नला की दे, रिकॉर्डेड होगी क्लास की क्लास, हाँ हाँ रिकॉर्ड क्यों होगी, हाँ अरे कुछ नहीं रिकॉर्ड, तुम लोग इतने नलायक हो, हम जानबूझ के तुम्हें अवॉइड कर रहे थे, तुम लोग जितनी बकवास कर रहे थे ना, ठीक है, वो एक पता नहीं कौन नया बच्चा आ गया था, ए सी करके था, वो क्या बकवास कर रहा था, वो अपने कहा इसको समझा दे, चलो छोड़ो, ठीक है, क्या ही बच्चे कहें, ठीक है, वाह चल रहा था, नलायकी दे रहा था वो, ठीक है, पक्का वहाँ जान पहचान का होगा, ठीक है, उधर ही फिटनेस लगा हुआ, ये वहाँ काफ लगा हुआ, ठीक है, और ये सब नलायक था, चलो लगने दो, लगने दो, ठीक है, हाँ भाई ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका, हाँ हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मई से जून, वेरी गुड, मई से जून, मोस्ट कॉमनली फॉलोड प्रोपगेशन ऑर्डर इन कीवी, कीवी में मोस्ट फॉर्मली बताइए कौन सा, तो अरे तुमको क्या लगता है, तुम सबूत है पास, कोई सबूत, तुम्हारे एक एक कमेंट हमको याद है अभी भी, हाँ जो भी था वो, हाँ एक दिव्यांतु था, वो कह रहा था गलत पढ़ा रहे हो, वो राइस में सियारा ढूंढ रहा था, तो महान महान बच्चे थे, महान महान, सीड लेयरिंग कटिंग स्टूलिंग, बोलो भाई, हाँ ओके बताइए, मोस्ट कॉमनली फॉलोड प्रोपगेशन मेथड इन कीवी फ्रूट, सीड लेयरिंग कटिंग स्टूलिंग, अब एक और बात जानो, देखो आपकी क्लास लगातार चलती रहती है, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात माना करो, क्लास चल रही है रिकॉर्डिंग, उसमें क्या बदलता है, बहुत बहुत जगह है तो ऐसी हैं जो लाइव लेते नहीं है, रिकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है, हैं तो कम से कम अच्छा है यार, तुम लोग तो बड़ी भी लाइव रिकॉर्डिंग देखने की, तो कभी कभी दे भी दिया करेंगे, हैं हाँ चलो बताओ, चलो इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, क्या रहेगा भाई, कटिंग हो जाएगा, अच्छा जो बच्चे अब में से नए हुआ करें बता दिया करें, ताकि उन्हें बताते रहे भैया ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पुराने बच्चे तो अपडेट रहते हैं कैसे क्या क्लास चलती है, बताइए एवरेज रेट मैंगो, मैंगो की एवरेज रेट कितनी होती है, 5, 6, 7, 8 टन, बताइए कितनी होती है, बोलो बोलो एवरेज रेट मैंगो, 5, 6, 7, 8, बोलो बोलो हटा से बोलो, एवरेज रेट मैंगो 5, 6, 7, 8, बोलो भाई, फ्लैक्स बोलो, आई एम न्यू नरोत्तम उड़ा देंगे, हाँ यूनिक पॉइंट नया है, और कोई नया नहीं है नलायक, हाँ ओके क्या रहेगा, 8 टन, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन, डेड पाम वैरायटी विच कैन बी ईटन इन रा, बताइए कौन सी डेड पाम की वैरायटी जो कच्ची खाई जाती है, ठीक है, वरही अलवई खलास अलाबदीज, बोलो अरिंदम, अरिंदम तुम भी नए नहीं हो, तुम्हारा भी नाम हमको याद है, नाम हमें सब बच्चों को याद रहते हैं, एक 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 का नाम याद रहता है, पीडीएफ कैसे मिलती, पीडीएफ नहीं मिलती है ना, लाइक पीडीएफ क्वेश्चन डेली क्लास होता है, आपकी अल्टरनेट पे क्लास होती है, रात को डेली होती है, क्लास को अटेंड किया करो, ठीक है, हाँ आपके एक क्लास 50-55 क्वेश्चन होते हैं, पीडीएफ थोड़ी करी जाती है, हाँ ओके आंसर आएगा कितना, ऑल ऑफ दी, अगला क्वेश्चन, पॉलीमरियानिक इन कॉकरोच बाज रिपोर्टेड बाय इनटू, बताइए कौन सी जाति, हाँ
हाँ बोलो, पाली वैज्ञानिक को करवा रिकॉर्ड रिपोर्टेड अरस्करी टॉल लकदवी गंगा अवंटन या TXD, बोलो। हाँ मेरा कुछ अता पता है। बोलो भाई, मेरा नाम बताना। ये पढ़ लो यार, तुम लोग नालायक ही बहुत देते हो। चलो पाली वैज्ञानिक को करो, बोलो अरस्करी टॉल लकदवी गंगा अवंटन या TXD, ठीक है क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, अर्थ विज्ञान। देखो जो बच्चे नए उन्हें बता देते हैं कि ये क्लास जो सैटरडे को होती है रिवीजन वाली होती है, तो इसमें सिर्फ हम रिवीजन कराते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो आपको अगर क्लासेस करनी है तो आपकी अल्टरनेट डेज पर 10 बजे क्लास होती है वो मिलेगी, ठीक है। अभी 2-3 दिन की मैं 2 दिन की छुट्टी भी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो हाँ कानपुर जाने की वजह से, ठीक है, ऑफिशियल काम भी है और अनऑफिशियल काम भी है, दोनों काम है। तो इसके अलावा जो उसके बाद आपकी प्री के, तब तक आपको प्री के लिए टाइम मिल जाएगा, प्री के बाद फिर आपको समय दे देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो इसीलिए आप इस क्लास को कतई आदत डाल लो। पपाया कल्टीवर सुटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए पपाया का कौन सा कल्टीवर सुटेबल होता है? पूफा जाइंट, CO4, पूछा नन्ना, नन ऑफ दीज। बोलो भाई फटाक से बोलो कौन सा कल्टीवर होता है भाई? हाँ दिलीप मोरन है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ बोलो भाई, पपाया कल्टीवर सुटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है। बोलो बोलो भाई आकाश, ये नालायक पता, ये कतई नहीं पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ता नहीं है ये, सिर्फ नालायक ही देता है, खट 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 के ये कर लो वो कर लो। हाँ। बोलो क्या आंसर जाएगा इसका? पूसा नन्ना हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सम कंप्यूटर इज अ क्वीन ऑफ फ्रूट। ओहो क्वीन ऑफ फ्रूट, रानी, रानी किसे बोलते हैं भाई? बोलो भाई रानी किसे बोलते हैं? मैंगो टमरेंड, मैंगो स्टील पपाया। बोलो भाई रानी किसे बोलते हैं? बोलो फटाक से बोलो रानी किसे बोलते हैं? रानी किसे बोलते हैं भाई? रानी किसे बोलते हैं? बोलो हाँ बोलो भाई रानी किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही है, मैंगोस्टीन। हाँ नहीं, मैंगोस्टीन मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ केश्यू प्रोपेगेशन। बोलो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ केश्यू, काजू के लिए मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? बोलो भाई काजू के लिए, बोलो काजू के लिए, बोलो फटाक से। हाँ बोलो भाई नालायक, चलो काजू के लिए बताओ भाई, काजू के लिए, काजू के लिए कौन सा है? सॉफ्ट वुड ग्रेफ्टिंग है, टी बडिंग है, हार्ड वुड कटिंग है, सीड है। बोलो भाई फटाक से बोलो, जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो, करो एकदम जल्दी से, ठीक है। हाँ वो बढ़िया, क्या हो जाएगा? ठीक है, ओहो सॉफ्टवुड ग्रेफ्टिंग। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्टो इज अ वैरायटी ऑफ। बोलो फॉरेस्टो किसकी प्रजाति है? फटाफट 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 फटाफट, फॉरेस्टो किसकी प्रजाति है? कॉफी रबर टी कोकोआ, कॉफी रबर टी कोकोआ, ठीक है, कॉफी रबर टी कोकोआ। बोलो भाई कॉफी रबर टी कोकोआ, फटाक से बोलो। देयर इज एग्जाम टुडे शिफ्ट, एसओ शिफ्ट, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, आई थिंक नहीं हो सकता है, हो प्री का थोड़ा हमें कम ध्यान देते हैं अब हम, ठीक है। हाँ चलो क्या हो जाएगा? कोकोवा। आगे बताइए, गुल गीतांजलि ड्वार्फ इज अ वैरायटी ऑफ, गीतांजलि ड्वार्फ किसकी प्रजाति है? बोलो फटाक से। हाँ हाँ बोलो, बनाना अरेकनट कोकोनट नॉन ऑफ दीज। एक बड़ी कल बात तुम्हारे, एक बात बहुत दिल पे लग गई भाई साहब, दिल पे क्या लग गई पता नहीं, सही बात है गलत बात। एक हम कल जब IRI गए थे, ठीक है, तो एक बालक हमको मिला, बालक मतलब क्या, वो अपने साथ का ही था। तो उसका कहना था कि हॉर्टिकल्चर की बात चल रही थी, तो उसने कहा कि देखो अरे यार हॉर्टिकल्चर की तैयारी हमने इसलिए नहीं की, हमको अच्छा लगता था पर तैयारी ग्यारह की इसलिए नहीं किया यार, सब उसमें रटने वाला है, ठीक है, इसीलिए हम एग्रोनॉमी की तैयारी करिए, है ना, हॉर्टिकल्चर सब रटने वाला है, हाँ कहीं कोई उसका सोर्स नहीं सही है, नोट सही नहीं है कहीं कोई, इसलिए हम हॉर्टिकल्चर ज्यादा की तैयारी नहीं किया। बड़ा खराब लगा हमको, हमने कहा कोई बात नहीं भाई, ये छोटा वाला नहीं है, हमें अगर हो तो बताना, ठीक है, और एक एक साल बाद मिलवाना। एक तो बड़ी अवधारणा है भाई, गलत तो लगता ही है कोई सब्जेक्ट के बारे में ऐसा बोल दे कि यार सब्जेक्ट में रटने वाला है, ठीक है, देखते जाओ। अब वो बात लग गई दिल पे, ठीक है, अब रिसर्च में लड़के जाने चाहिए हॉर्टिकल्चर के, कैफे जाएंगे बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ चलो क्या फर्क आएगा इसका? कोकोनट। चाइनीज डेट इज अ कॉमन नेम ऑफ, चाइनीज डेट किसका कॉमन नेम है? फालसा, लीची, आंवला, बेर। बोलो हाँ रावे रिपोर्ट बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक ठीक है, अच्छा ठीक है, चाइनीज डेट, फालसा, लीची, आंवला, बेर, फटाक से बोलो। हाँ 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 बोलो, हाँ
नहीं बात उसकी सही होगी, मतलब देखो जब कोई ऐसा नहीं बोलते, जब जो वो कह रहा है तो सही बात होगी, ठीक है। अब बात तब तब्दील होगी जब अपने बच्चे रिसर्च में जाएंगे, अब वो कहेंगे यार हॉर्टिकल्चर बहुत मस्त सब्जेक्ट है, एकदम प्यार हो गया हमें, ठीक है, तब बात तब्दील होगी। हाँ वो बात तब्दील करने के लिए हमको लगभग 7-8 महीने लगेंगे, टेंशन ना लो। हाँ चाइनीज डेट कॉमन नेम, फालसा लीची आंवला बेर, क्या हो जाएगा भाई, बेर हो जाएगा, ठीक। इडिबल पार्ट ऑफ पियर, पियर का एडिबल पार्ट कौन सा है, सीड मीजोकार्प इंडोस्पर्म थैलमस, सीड मीजोकार्प इंडोस्पर्म थैलमस, फटाक से बोलो। बोलो इडिबल पार्ट ऑफ पियर क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई, थैलमस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थैलमस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वैरायटी ऑफ ग्रेप इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया, ग्रेप की कौन सी प्रजाति नॉर्थ इंडिया में कमर्शियली कल्टिवेट की जाती है, ठीक है। ऑप्शंस लाइक थॉमसन सीडलेस, अनावे शाही, परलेट, ब्लैक चंपा। तो वैसे तो थॉमसन सीडलेस भी की जाती है और परलेट भी जाती है, ठीक है, दोनों की जाती है, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक नॉर्थ इंडिया बोला गया है तो परलेट इसका आंसर हो जाएगा, क्या रहेगा, परलेट, ठीक है। क्योंकि थॉमसन सीडलेस भी की जाती है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों होना चाहिए था, पर क्योंकि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें परलेट सही किया गया था। एक तो यूपी गवर्नमेंट का प्रोफेसर बोलेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता लगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वो पर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो बीकानेर में है, गवर्नमेंट ने सही क्या माना, क्या माना था, उदयपुर सही माना था, ठीक है, जोधपुर उदयपुर को सही माना था। तो कभी कभार ऐसा भी रहता है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो उन्होंने पेपर फट किया आंसर सही है वो गलत है, लेकिन ये गलत था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसिंस ग्रेप, ग्रेप में इन्फ्लोरेसिंस बताइए, हाँ सोलिटरी स्पेडिक्स पेनिकल कैटकिन, थोड़ी जी आप सीए से कब आ रहे हैं, सीए से आ रहे हैं, देखो कोशिश करेंगे 30 30 तक पहुँच, 30 है 31 को, क्योंकि सब मित्र लग सब आ रहे हैं, ठीक है, हाँ 30 31 को पहुँचेंगे, एक एक दो तारीख को वापस आ जाएंगे, एक दो तारीख को आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ओके बताइए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ग्रेप, ग्रेप में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, पेनिकल होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो सेल्फ स्टाइल वैरायटी ऑफ पियर, पियर की सेल्फ स्टाइल वैरायटी कौन सी है, चाइना पियर है ना, पथरनाक, लेकून या मेगिंस, बोलो भाई। हाँ अरे कैटेट के वाले में बोल देंगे भाई, आके ही वहां बोल देंगे सीएसए में, डोंट वरी, बताइए। ओके क्या फर्क है इसका, सेल्फ स्टाइल वैरायटी ऑफ पियर, पियर की सेल्फ स्टाइल वैरायटी कौन सी है, ठीक है, मैगेंस है, कौन सी बच्चों, मैगेंस है। अगला क्वेश्चन टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन लोकार्ट, लोकार्ट में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कौन सी पाई जाती है, फटाक से बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, बस बस एक दो क्वेश्चन बचे, जल्दी बोल दो, एक दो क्वेश्चन बताए हुए, बताओ भाई फटाक से बोलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट मिलेंगे, बिल्कुल बताओ, टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बोलो भाई कौन सी रहेगी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन प्रोटोगाइन इज फाउंड इन विच फ्रूट, प्रोटोगाइन किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है, सपोटा, पैशन फ्रूट, वॉलनट, प्लम, बोलो भाई प्रोटोगाइन किस फ्रूट के अंदर पाई जाती है, सपोटा, पैशन फ्रूट, वॉलनट, प्लम, जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी, प्रोटोगाइन फाउंड इन सपोटा, पैशन फ्रूट, वॉलनट, प्लम, क्या हो जाएगा, हाँ क्या रहेगा, प्लम, ठीक है, क्या रहेगा, प्लम, बट प्रोटोगानी होती क्या, प्रोटोगानी होती क्या, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बता चुके हम। फिश फ्रूट इज हेक्साप्लॉइड इन नेचर, इनमें से कौन सा फ्रूट हेक्साप्लॉइड इन नेचर में होता है, बताइए षटकुटित कौन सा होता है, बोलो फटाक से बोलो षटकुटित कौन सा होता है, बोलो यूरोपियन प्लम, फालसा, कीवी फ्रूट, लीची, हाँ ओके क्या आंसर हो जाएगा इसका, कीवी फ्रूट हो जाएगा, क्या रहेगा, कीवी फ्रूट। अगला क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल की ओरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल अमेरिका, चाइना, इंडिया, कस्टर्ड एप्पल की ओरिजिन क्या होती है, बोलो भाई फटाफट फटाफट फटाफट, देखो जल्दी से बोला करो भाई, टेंशन नहीं करो, ठीक है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में आपका फ्री क्वेश्चन ही आएंगे ना, फटाक से बोलो। अगला क्वेश्चन दो प्लम, हाँ देखो अभी चाइना बोले नालायक, ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका, हाँ फिटनेस फ्रीक, तुम्हारा पिछली बार तुम गलत किए थे, इस बार भी गलत किए हो, जब हम इसको पढ़ा रहे तब भी गलत किए थे, ठीक है, आज भी तुम गलत किए हो नालायक, ठीक है, हाँ ये देखो इसीलिए कह रहे हैं, पिछली बार जब बता रहे तब तब देखो नालायक दिए थे, इस बार भी, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं रिविजन तुम लोग सही से पढ़ता नहीं हो, तुम लोग नालायक ही देते हो। चलो हाई सेट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, हाई सेट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, जो रेगुलर बच्चे हैं उनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिविजन में उनके क्वेश्चन सही होना चाहिए। हाँ हाईली सेट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, कीवी फ्रूट, रंबूटान, करम्बोला, डूरिन, बोलो सेट टॉलरेंट कौन सी है, सेट टॉलरेंट आपकी कौन सी रहेगी,
कैरम्बोला हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कैरम्बोला। अगला क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूज फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन आम्रपली, आम्रपली में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा होता है। हाँ, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग यूज इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, डायगोनल, कॉनिक, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर, बोलो भाई। डायगोनल, कॉनिक, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर, जल्दी से बोलो। हाँ बेटा लाएंगे शैलेश, डोंट वरी, लाएंगे, जब बैच लाएंगे तो सीरीज भी लाएंगे। डायगोनल, कॉनिक, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर, हाँ क्या रहेगा आंसर, ट्रायंगुलर रहेगा। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस प्रेजेंट इन सिट्रस, सिट्रस में किस प्रकार की एपोमिक्सिस पाई जाती है, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो भाई। एपोमिक्सिस किस प्रकार की आई सिट्रस के अंदर, सिट्रस में किस प्रकार की एपोमिक्सिस पाई जाती है, बोलो। नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, पार्थेनोकार्पी, एलर्दीज, क्या रहेगा, हाँ क्या रहेगा, नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट टाइप की एपोमिक्सिस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड इन बेल, बेल में मुख्यतः कौन सा प्रोपगेशन मेथड यूज करते हैं, ग्रेफ्टिंग, बडिंग, कटिंग सीड, बोलो। बोलो कमर्शियल प्रोपगेशन बेल, बेल में कौन सा यूज करते हैं, बोलो टैक्स, बोलो। हाँ एम्फर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या यूज करते हैं, बडिंग यूज करते हैं, मुख्यतः क्या यूज करते हैं बच्चों, बडिंग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्वार्फ कल्टीवर इन पीच, पीच का ड्वार्फ कल्टीवर कौन सा होता है, फ्लोरिडिज्म, अर्ली अर्ली ग्रैंड, रदेवन और जेएचएल, जल्दी से बोलो जल्दी जल्दी। देखो भैया रिवीजन चल रहा है, रिवीजन फटाक से बोला करो, जल्दी टाइम मत दिया करो, ठीक है, अगर रिवीजन में टाइम देने पर टाइम लग रहा है तो समझिए कि कहीं आपने कहीं कहीं दिक्कत कर रहे हो। हाँ बोलो फटाक से बोलो, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, रेड हेवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हेवन, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नगट इज अ ड्वार्फ कल्टीवार, नगट जो है किसका ड्वार्फ कल्टीवार, फटाक से बोलो, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, नगट जो है ड्वार्फ कल्टीवार, बोलो किसका है, नगेट, फटाक से बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई बोल जल्दी से, हाँ एम्फर क्या हो जाएगा इसका, किसका एम्फर हो जाएगा, हाँ एप्पल हो जाएगा, ठीक है चलो। मल्चिंग इज मोस्ट काम इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन कल्टीवर, मल्चिंग किसमें ज़्यादा करते हैं, बोलो मल्चिंग किसमें करते हैं, एप्पल, पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी, बोलो भाई। मल्चिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस है कल्टीवेटर, तब बताइए कौन सी, एप्पल, पेयर, पीच, स्ट्रॉबेरी, क्या हो जाएंगे आंसर, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, क्या रहेगा, स्ट्रॉबेरी। अगला क्वेश्चन, चलो खत्म हो गया भाई, ठीक है, तो आपके पूरे हफ्ते का रिवीजन हो गया, ये आपका पंजाब रेडियो का बैच है, जो बच्चे पंजाब के हो या आप उन्हें बता भी सकते हैं, तो इस बैच को सिंपली Y612 अप्लाई करके ले सकते हैं, और इस वाला जो आपके एग्रीकल्चर डाटा बैच चलने वाला बैच है, इसमें आपके सभी फैकल्टी रहने वाली है, ठीक है, पूरी रहेंगी, इसके साथ साथ, ठीक है, हर एक फैकल्टी आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाने वाली है, ठीक है, और बैच का प्राइस भी काफ़ी कम है। इसके अलावा बता दूं, ये हमारे इंडिविजुअल बैचेस हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कोई एक पोर्शन कमजोर है एफ में जाने से पहले, तो आप इंडिविजुअल बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है, इंटरवोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सीड साइंस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए मंथल बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और इसको सिंपली अप्लाई करने के लिए Y612A आपको अप्लाई करना होता है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें प्राप्त हो जाएगा, इनमें से किसी बैच के अंदर, ठीक है, ये मेरा स्पेशल बैच है आगाज बैच, और ठीक है एक्सटेंशन बीट साइन, ठीक है, इन सबके लिए आपको 100% गारंटी है कि आपको पूरी चीज़ें 100% याद रहेगी, ठीक है, तो इसको आप देख सकते जाके, ठीक है, हाँ 8 बजे क्लास में मैं क्वेश्चन लाना इंजीनियरिंग ब्रेडिंग के, ठीक है, आज तो मैं रिवीजन करवाऊंगा, आज रिवीजन करूंगा, बाकी कभी ले आऊंगा आगे, ये एग्रीकल्चर महापैक है, ठीक है, तो इसमें आपके जो है अभी डबल वैलिटी है, याद रखना डबल वैलिटी है, तो जो मैं सबसे ज्यादा रिपोर्ट करता इस बैच को मैं तभी बताता हूँ जब डबल वैलिटी आती है, ताकि बच्चों का ज़्यादा फायदा हो जाए, इसमें हर एक एग्जाम की तैयारी होती है, जितने भी आपके एग्जाम एग्रीकल्चर 24/7 पर चल रहे हैं वो सभी एग्जाम, ठीक है, इस एग्रीकल्चर महापैक में कवर होते हैं, ठीक है, इसमें 12 नहीं बल्कि आज अगर लेंगे कौन सा Y612A, ठीक है, Y612A यूज करके, तो आपके ऑल एग्जाम कवर होंगे, ठीक है, चाहे वो FCI वाला एग्जाम हो, चाहे वो AFO का एग्जाम हो, चाहे वो आगे आने वाला AFO का एग्जाम हो, ठीक है, इसके अलावा जो भी एग्जाम है तो सभी आपके इस कवर करोगे। हाँ कैटेट भी रहेगा बेटा इसमें, ठीक है, ठीक है, ये जो आपका नया कैडेट का बैच आने वाला है वो भी इस एग्रीकल्चर महापैक में रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, तो अभी मेरे पास लगातार बैच चल रहे हैं बेटा, 5 बैच 4 बैच तो चल ही रहे हैं, ठीक है, तो उनमें भी इसके बाद दो हम लोग यूट्यूब पे भी क्लास दे रहे हैं, 2-3 क्लास यूट्यूब पे आने बाद फिर 4-5 क्लास पैड में भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल हो जाता है ना, तो हम लोग सब करेंगे आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है, तो इस बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं सिंपली जाकर, ठीक है, ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ टू इनरोल, ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि आप गए, जाने के बाद 24/7 पे गए और यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आ गया ऑल कोर्स, ऑल कोर्स में वो सिलेक्ट करना है क्या, एग्रीकल्चर कर लिया, ये एग्रीकल्चर महापैक, ठीक है, ये देखो इस पर डबल वेल्टी दिख रही है आपको, दिख रही है डबल वेल्टी, ठीक है, सिंपल यहाँ पर जाना है,
यहाँ पे चेक करना कि क्या क्या इसमें हो रहा है। 6 महीने में डबल एल्टी है, 12 महीने वाले में, 3 महीने वाले में नहीं है। ठीक, इसमें जो है आपको 500 घंटे की क्लासेस, 515 ई बुक्स, 3500 के आसपास वीडियो, 1311 टेस्ट सीरीज के आसपास मिलेंगी आपको। ठीक है, और हर एक एग्जाम इसमें कवर होगा, जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम चल रहे हैं वो सभी। ठीक है, कैसे सर इसमें एनरोल करना है? वाई नाउ करना है। वाई नाउ करने के बाद सिंपली जाना है, अप्लाई करना है Y612A, Y612A, 612A अप्लाई करना है, 6300। यानी कि अभी इसमें दो चीजें आपको मिल रही है, एक तो 80% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, और प्लस DB यानी कि डबल वेल्टी मिल रही है। दोनों का लाभ रहेंगे, 6000 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आने वाले 2 साल तक आपके जितने भी बैच रहेंगे वो सभी इस पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सभी रहेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जो आपके नए बच्चे हैं, ठीक है, जो भी जुड़े हैं, उनके लिए काफी स्पेशल बैच रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट कर दूं कि इससे पहले ऑल कोर्स में जाके आप अगर एग्रीकल्चर में जाएंगे, IPS FOA में जाएंगे, तो ये हमारे AFO के बैच है। ठीक है, आप इसके अंदर भी सिंपली कर सकते हो, ये हमारा AFO का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, देखो, जो कि नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 14 फरवरी से। 14 फरवरी जानते हो क्या होता है, वैलेंटाइन डे आप लोग मनाते हो। ठीक है, बहुत ही मतलब चलो बोलेंगे नहीं, किसी लोगों को दो चार को खराब लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 14 फरवरी को, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में भी देखते हैं हम लोग, तो 14 फरवरी को ही मेनली ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नया बैच है, फाउंडेशन बैच है। ठीक, और जिसका भी जो प्राइस रखा गया है, ठीक है, वो बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। सिंपली जाइए और इस नया बैच के अंदर यहाँ पर डालिएगा Y612A, डाल दिया आपने, और फिर आपका 2300 में, ठीक है, पूरा मेंस का बैच आपको 2300 में मिल जाएगा। ठीक है, 2300 में पूरा मेंस का बैच मिल जाएगा। ठीक, इसमें आपकी सभी फैकल्टी रहेंगी जो आपको पढ़ाएंगी, नोट भरी रहिएगा। ठीक है, अभी इसमें 80% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, तो अभी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 2300 में पूरा नेक्स्ट बैच भी आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि आपके काम पर ध्यान दे नहीं रहे हैं हम। अरे किसने कहा ध्यान नहीं देने लायक, क्या तुम लोग करते हो? हाँ ठीक है, हमें लगता है ब्लॉक कर दे हो जाएंगे। चलो ओके, तो ये हो गया क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट हो पूछो। हाँ, टेलीग्राम लिंक सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम लिंक बेटा आप सर्च करिए एग्रीकल्चर 24/7, ठीक है, ऑफिशियल आपको मिल जाएगा। हाँ क्लियर, और कोई दिक्कत? चलिए, और कोई दिक्कत किसी को? चलो तुम लोग झगड़ा करने लगते हो, कैसे गंदे बच्चे हो हैं? कतई बच्चे हो छोटे से क्या, कतई छोटे बच्चे के साथ झगड़ा कर रहे हो, देखो हैं? आकाश आद्या दोनों लोगों को भी सही कर, तुम लोग रेगुलर बच्चे हो, ऐसी बातें नहीं करते ना यार, बड़े हो जाओ, थोड़े मैच्योर हो जाओ, अच्छे बच्चे हो ना तुम, तो ये फिर ऐसी बातें करोगे? ऐसे तुम लोग कमेंट में क्या झगड़ा करते रहते हो, क्या साबित करना चाहते हो है? क्या साबित करना चाहते हो ये बताओ। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? चलो बच्चे अगर थोड़ा सही हो जाए ना, तो हमको भी अच्छा लगे, क्लास को खत्म करते हुए अच्छा लगे। बताओ कैसे बच्चों से सीखते, छोटे छोटे बच्चे जैसे नहीं, अब नर्सरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, नर्सरी के जैसे बच्चे होते हैं ना, उस टाइप की हरकतें कर रहे हो तुम लोग। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, रात को 8 बजे आप लोग मिलिएगा। ठीक है, बैच का मैंने डिटेल दे दी है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, यूपी गेट का बैच जल्दी लाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अभी फाउंडेशन में जिसका आ गया, MSc का फाउंडेशन जल्दी आने वाला है। ठीक है, हाँ चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, और कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। ठीक है, और बाकी कृपया अगर आपको ऐसे इस टाइप की बकवास करनी है, ठीक, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किसी अच्छे स्टूडेंट को खो दूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चुले हुए हैं कि आप बकवास करेंगे, फालतू की बात करेंगे, तो प्लीज़ क्लास में बताया करें। ठीक है, ये मैं सबसे कहूँगा कि जो जिन्हें पढ़ाई करनी होती वही आया करें, क्योंकि मैं डेली क्लास लेता हूँ, ऐसा तो है नहीं मेरी बीच में कोई क्लास होती है। ठीक है, नहीं आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम अगर 10 बच्चे आएँ, 5 बच्चे आएँ, रेगुलर बच्चे आएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि भाई साहब तुम 200 पार कर दो, अब वास्ट टाइमिंग 1 मिनट हो, ऐसा नहीं चाहिए। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो भी क्लास में आओ, नहीं पढ़ने की इच्छा है, बकवास करनी है, तो मत आओ, बिल्कुल मत आओ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बकवास करेंगे 4 दिन बाद सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, तो
ये सब नहीं करना है ना, पढ़ना है यार अपन को, ठीक है? तुम लोगों से कितना फ्रेंडली रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं ना, ठीक है? तुम्हारी किसी बात को ना खराब मानते हैं, आपस में झगड़ा करते हो तो खराब लगता है यार, बच्चे छोटे बच्चे हो यार, ऐसा मत किया करो, गलत गलत बात होती है, गलत बात है ना, सुधर जाओ। अभी नहीं सुधरोगे तो फिर अभी अगर जिंदगी को मौज में ले रहे हो ना, तो समझो कि आगे भी जिंदगी फिर मौज में निकल जाएगी, ठीक है? मौज जिंदगी में अच्छी निकलती नहीं है, ये बात याद रखना। बहुत कठिन और कठिनाइयाँ रहती हैं, हमने देखा है अपने साथ के बहुत से लोगों को। हाँ ठीक है, तो इसीलिए चलो के बाद बेटा, आप भी मत बोलो अध्या, ठीक है? दोबारा अगर हमने किसी कमेंट देखो तो मैं परमानेंट ब्लॉक करा दूंगा, आपको क्लास भी नहीं दिखेगी। अगर हमने किसी के ऐसे कमेंट्स देखे, ठीक है, तो मैं परमानेंट ब्लॉक करवा दूंगा। हाँ तो मुझे बोल रहे यार, कुछ तुम्हें बोलना हो आपस में मत झगड़ा किया करो, मुझे खराब लगता है। हाँ ठीक है, मुझे खराब लगता है, देखो मुझे बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ कि ठीक है आपकी मेरे पर्सनल होगी, आपस में बच्चों के एक दूसरे बोलते, मेरे बच्चे के लिए मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है कि जब बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, खराब लगता है यार, ठीक है? मैं चाहता हूँ अभी क्लास बंद कर दूँ, लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खराब लग रहा है। हाँ मुझे बोल दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको किसी ने भरा होगा आपने बोल दिया, ऐसा मत किया करो, ठीक है? आपस में मत झगड़ा करो, गलत बात है। अभी आप लोगों को बहुत कुछ टीम, अभी एक आपको टीम बनाना है, ठीक है, आगे जाके बहुत कुछ अचीव करना है, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, राधे राधे, थैंक यू ऑल।